नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप भी पेटीएम यूज़ करते हैं, दोस्तों अगर आप भी पेटीएम एप्लीकेशन का यूज़ करके जो है वॉलेट के थ्रू जो पेमेंट करते हैं, जैसे बाहर जाते हैं कोई भी सामान वगैरह जो है आप जो है वॉलेट के थ्रू जो है पेमेंट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे इससे पहले जो है मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पेटीएम पेमेंट में जो है पेटीएम वॉलेट के अंदर जो है ऑटोमेटिकली ऐड मनी वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके यूज़ करके कैसे आप जो है ऑटोमेटिकली पैसे ऐड कर सकते हैं अपने पेटीएम वॉलेट में। जैसे मान लीजिए अगर आपका बैलेंस 200 रुपये से नीचे जाता है तो कैसे आप 500 रुपये ऑटोमेटिकली ऐड करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से या पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताने वालों कि कैसे आप जो है पेटीएम पर ऑटोमेटिकली ऐड मनी वाले ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि उसको बंद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, बहुत सारे बंदों का भी इशू होता है कि ऑटोमेटिकली जो है पैसे उनके अकाउंट में कट जाते हैं, लेकिन वो एक बेनिफिट वाली बात है कि वो थोड़ा टाइम सेविंग वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिकली जो है बैंक अकाउंट में जो आपका ऑटोमेटिकली पैसे जो है ऐड जो होते हैं डायरेक्ट होते हैं वो उसको हटाना है अगर आपको, तो पेटीएम पर कैसे आप पेटीएम वॉलेट में आप अपने जो है पेटीएम का जो ऑटोमेटिकली ऐड मनी वाला जो फीचर है उसको कैसे आप बंद कर सकते हैं, कैसे आप जो है डिसेबल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता रहा हूं कि कैसे आप पेटीएम पर ऑटोमेटिकली ऐड मनी वाले ऑप्शन को बंद कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों अगर पेटीएम ऑटोमेटिक ऐड मनी वाले ऑप्शन को डिसेबल करना है, बंद करना है, तो डिस्क्लोज करना है, तो कैसे आप जो है यहाँ पे जो है आप इसके पेटीएम पर ऑटोमेटिक ऐड मनी वाले ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देने हैं, पेटीएम का बैलेंस इन हिस्ट्री का, पेमेंट बैंक का, पेटीएम वॉलेट का, पेटीएम वॉशपेड। तो दोस्तों यहाँ पे पेटीएम वॉलेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको पेटीएम बैंक बैलेंस का, यहाँ पे पेटीएम वॉलेट का पैसे का ऐड करने का यहाँ पे दिख जाता है सेटिंग्स का। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको आना है, नीचे आएंगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, पासबुक का, ऑटोमेटिक ऐड मनी का, नियर बाय कैश पॉइंट्स का, सेट रिमाइंडर और रिक्वेस्ट वॉलेट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ऑटोमेटिक ऐड मनी, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको बोलेगा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको बताएगा कि कितना जो है पैसा आपने ऑटोमेटिकली इसमें ऐड किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐड मनी ऑटोमेटिकली, यहाँ पे जो है मैंने पेटीएम ऑटोमेटिक ऐड मनी वाले ऑप्शन को एनेबल किया हुआ है। दोस्तों अगर आपको इसको एनेबल करना सीखना है तो यहाँ पे आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो देखने के बाद आप जो है इसको मनी ऑटोमेटिकली ऐड करवा सकते हैं पेटीएम पर। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपये विल बी एडेड ऑटोमेटिकली, यहाँ पे जो बैलेंस गो बिलो 200 रुपये, तो यहाँ पे जो है पेटीएम पर ऑटोमेटिक ऐड मनी जो है मेरा एनेबल हो रहा है। तो इसको डिसेबल करने के लिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा देगा कैंसिल ऑटोमेटिक ऐड मनी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये आपको बोलेगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कैंसिल ऑटोमेटिक ऐड मनी, वंस कैंसिल्ड वी विल नो लॉन्गर बी एबल टू मेंटेन योर वॉलेट बैलेंस। तो यहाँ पे दोस्तों यस कैंसिल इट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों योर सब्सक्रिप्शन टू ऑटोमेटिक ऐड मनी हैज बीन कैंसिल्ड, तो यहाँ पे इसको जो है ओके वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे दोबारा से जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है सेटअप ऑटोमेटिक ऐड मनी वाले ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यानी कि जो है दोस्तों आपको जो है पेटीएम का ऑटोमेटिक ऐड मनी जो है यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो आपको एक नोटिफिकेशन आ चुका है पेटीएम का, ये बोलेगा योर ऑटोमेटिक ऐड मनी अप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 500 रुपये हैज बीन कैंसिल्ड बाय ऐड मनी टू वॉलेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपका पेटीएम का जो ऑटोमेटिक ऐड मनी वाला जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पेटीएम पर जो है अपना ऑटोमेटिक ऐड मनी ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी आपको समस्या है सुझाव है नीचे आपको पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बोलते रहना, मुझे बोलने।